बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर कौन सा, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और उसके अंतर्गत आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कार्बनिक यौगिकों में उनके नाम लिखने का एक निश्चित नियम होता है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपके कोर्स में हाई स्कूल में रखे गए उन सबके हम लोगों ने नामकरण की प्रक्रिया पढ़ ली थी, नॉमेनक्लेचर पढ़ दिया था। उसी के पश्चात अब उसमें आगे पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की प्रक्रिया में, जो कार्बनिक यौगिक जितने भी होते हैं उनका जो दहन या कंबशन होता है, दहन की प्रक्रिया होती है या जलाने की प्रक्रिया होती है या कंबशन होता है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को भी जलाए कार्बनिक यौगिक को तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जैसे कि अब ये कार्बन है, अब ये कार्बन मतलब कि कोयले में भी होता है, लकड़ी में भी होता है, कोयले में भी, लकड़ी में भी, और इसके अलावा जो गैस घरों में जलाते हैं उसमें भी कार्बन है, लेकिन वो कार्बन किसी दूसरे रूप में है। जैसे कि जो गैस जलाई जाती है उसमें ब्यूटेन होती है, 80% ब्यूटेन गैस होती है, गोबर गैस, उसमें मीथेन होती है, लेकिन कार्बन है। तो कोयला कार्बन है, लकड़ी में भी कार्बन होता है, गैस में भी कार्बन होता है, जिसमें भी कार्बन होता है उसको जलाते हैं। तो प्योर अगर जो केवल कार्बन है उसको जलाएंगे तो जलाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन गैस ना मिले तो कोई चीज़ जल नहीं सकती, तो ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रकार से जैसे कि मीथेन गैस, ये भी एक कार्बनिक गैस है, इसे पंख गैस कहते हैं, कीचड़ में बनती है, गोबर के सड़ने से भी मीथेन गैस बनती है, कोयले की खानों से भी मीथेन गैस निकलती है। तो ये मीथेन गैस जब जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या उत्पन्न करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, और साथ में प्रकाश और ऊष्मा भी मुक्त होता है, लाइट भी और टेम्परेचर भी, तो प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। और इसी के पश्चात यदि जैसे एथिल अल्कोहल, ये एक दूसरा यौगिक है, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल हम लोगों ने पढ़ा, तो दूसरा कार्बनिक यौगिक है, इसको भी जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा, और साथ में क्या उत्पन्न करेगा, साथ में उत्पन्न करेगा प्रकाश और ऊष्मा, लाइट एंड एनर्जी, तो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो कार्बन या दूसरे कोई कार्बनिक यौगिक, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, इन सब के जलने में, किसी भी कार्बनिक यौगिकों के जलने में ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। ऑक्सीजन गैस सहयोग नहीं करेगी तो कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है, और जलेगी तो उसमें केवल कार्बन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, लेकिन कार्बनिक यौगिक हुआ, मैं जैसे मैंने यहाँ एल्केन लिया, एल्केन के अलावा एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, कोई भी कार्बनिक यौगिक, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और प्रकाश तथा ऊष्मा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से ये दहन या कंबशन की प्रक्रिया होती है, दहन की प्रक्रिया जिसमें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी पदार्थ को जलाएं तो उसकी में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है।
तो ये दहन की प्रक्रिया होती है, और इसके पश्चात एक संलयन की प्रक्रिया होती है। तो ये आप लोग दहन की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझेंगे, और इसके पश्चात आगे पढ़ते हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। अब जैसे कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण जैसे कि एल्कोहल C2H5OH, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करें, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में। KMnO4 क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। तो ये इसकी प्रेजेंस में यदि ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या होता है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो इसमें क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड, दो कार्बन है ये CH3COOH और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस प्रकार से एथिल एल्कोहल का यदि ऑक्सीकरण क्रिया कराएं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में तो एसिटिक एसिड या इसका IUPAC नाम होगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड ये बनता है और जल बन जाता है। तो ये एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन या संलयन अभिक्रिया। एडिशन या संलयन की प्रक्रिया क्या होती है, तो जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं, एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन की जो रिएक्शन है वो अभिक्रिया है, हाइड्रोजन से कराए तो इसमें एल्केन या एल्कीन बन जाता है। लेकिन ये एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब दो चीजों का आपस में जुड़ना और जुड़ के एक यौगिक बनना। तो एडिशन या संलयन की अभिक्रिया का मतलब अभिकारक दो हैं, रिएक्टेंट दो हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है वो सिंगल होता है, तो उसे हम संलयन की अभिक्रिया कहते हैं। तो संलयन या योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है, एल्कीन और एल्काइन देते हैं। जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे उसमें योगात्मक की अभिक्रिया नहीं होगी, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी सिंगल बॉन्ड एल्केन में, एल्कीन और एल्काइन में एडिशन रिएक्शन हो सकती और होती है। तो जैसे कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एथिलीन, एथिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराए निकल की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा, इसमें एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसमें, CH3CH3, मतलब कि एथिलीन से एथेन बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, द्विबंध से एकल बंद हो जाएगा। तो योगा, ये योगात्मक अभिक्रिया में तो अभिकारक या रिएक्टेंट कितने, दो हैं, एथिलीन और हाइड्रोजन, और उत्पाद या प्रोडक्ट क्या है, एक। तो इसे क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। इसी प्रकार से जैसे ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, तो इसमें ये एथाइन है, दो कार्बन को कहते हैं एथ है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाते हैं, तो ये एथाइन है, तो इसकी क्रिया किससे करा दें, हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन लें, एक हाइड्रोजन लेंगे तो एक ही दो स्टेप पर रिएक्शन करेगी, मतलब कि एक बार में हाइड्रोजन ऊपर एक और नीचे एक जुड़ जाएगा, फिर दूसरे स्टेप पर जुड़ेगा, तो वैसे एक हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ेगा एक नीचे, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी क्रिया किसकी प्रेजेंस में होगी, निकल की प्रेजेंस, CH2 ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाता है,
और फिर इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दें निकल की प्रेजेंस में, और इतने ही टेम्परेचर से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, फिर एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्केन बन गया, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्रिया दो स्टेप पर होगी, पहले एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और फिर एक एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे जुड़ जाएंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो बंद वाले होंगे या तीन बंद वाले, तो ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं या एडिशन रिएक्शन देते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले एडिशन रिएक्शन नहीं देते, वो सब्स्टिट्यूशनल या प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक इसमें हो सकता है। तो एल्कीन या एल्काइन इनमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे निकिल की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखें डबल बॉन्ड है तो सिंगल हो जाएगा, ट्रिपल है तो पहले डबल होगा फिर सिंगल हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती जाएगी, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हो गए, यहाँ पर तीन हो गए, और सिंगल बॉन्ड हो गया, बस इसमें यही क्रिया रुक जाएगी। तो इस प्रकार से ये एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसके पश्चात एक एडिशन रिएक्शन इसमें और होती है, जो वनस्पति तेल होते हैं, वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति तेल, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या वेजिटेबल घी बनाया जाता है, विभिन्न पौधों से जो प्राप्त तेल प्राप्त होता है उसी से वनस्पति घी या वेजिटेबल घी बनाया जाता है। तो जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, किसी भी पौधे से जो भी तेल प्राप्त होता है उसकी क्रिया किससे करा देते हैं, हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में, और कितने टेम्परेचर पर, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा देते हैं, तो क्या होता है, ये वेजिटेबल घी बन जाता है। ये भी क्या है, एक योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन है। तो ये भी एक रिएक्शन आप याद रखेंगे, जो वनस्पति तेल होते हैं, किसी भी पौधे से जो तेल प्राप्त होता है, जो सरसों का तेल हो, सूरजमुखी के फूलों का तेल हो, नारियल का तेल हो, कोई भी तेल हो, उन तेल जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड का मतलब जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, वेजिटेबल ऑयल में, वनस्पति तेलों में, किसी भी पौधे से जो भी तेल प्राप्त होता है, और उसमें क्या करा दें, हाइड्रोजन का योग करा दें, उसमें जोड़ दें, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो वनस्पति घी बन जाता है, वेजिटेबल घी बन जाता है, और वो कैसा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो मन लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, मेथेन है, एल्कोहल है, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। केवल कार्बन हुआ तो ऑक्सीजन से क्रिया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसके बाद पढ़ा है सनलेन या एडिशन रिएक्शन। सनलेन या एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि रिएक्टेंट तो दो, अभिकारक तो दो, लेकिन उत्पाद केवल एक बने, तो उसे कहते हैं एडिशन या सनलेन की क्रिया। और एडिशन या सनलेन की क्रिया योगात्मक अभिक्रिया कौन देता है, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन का हाइड्रोजन से योग कराया निकिल की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया, एल्केन प्राप्त हो जाता है। एल्काइन है तो पहले एल्कीन होगा फिर एल्केन प्राप्त हो जाएगा। और इसी पश्चात याद रखना है कि वनस्पति तेलों की, वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजन से क्रिया निकिल की उपस्थिति में कराई जाती है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग, तो क्या प्राप्त होता है, वनस्पति घी या वेजिटेबल घी प्राप्त होता है। तो ये आप लोग अच्छी प्रकार से समझेंगे और अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट करेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।